सो हे गाइस, वेलकम बैक हम टू चैनल पासवान गेमिंग। एंड मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ ग्रैंड मास्टर पुशिंग सीरीज का पार्ट 8। और गाइस सीरियसली बता रहा हूँ, करंट में मेरा रैंक देखा जाए तो 14832 है। और भाई मैंने ऑलरेडी काफी प्लस दे रखा है, अभी सिर्फ 200 प्लस और करना है और ग्रैंड मास्टर हमारे से अभी भी काफी दूर है, जिसके लिए हम पुशिंग कर रहे हैं। गाइस देखा जाए तो अभी भी हमें 3000 प्लस चाहिए, वो भी 4 दिनों के अंदर। तो हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई करने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं अपने स्क्वाड के साथ, जो कि कुछ बहुत सब्सक्राइबर है अपने, उनके साथ हम गेम स्टार्ट कर देते हैं। एंड गाइस इसी के साथ डे का पहला गेम हम स्टार्ट करते हैं। और हमारे 6 किल इसमें हमने निकाल रखे थे और बचे भी लास्ट के सिर्फ 13 ही बंदे थे। और जिस जगह मैं उतरा था वहाँ एक बंदा मोन्स्टर मंगाया था और वो मोन्स्टर लेके भाग ही रहा था कि मैं भी थोड़ा डैमेज देके बैठता हूँ, बट ये उतर के मुझे मारने की ट्राई कर रहा था, तो मैं भी उतर के इसको काफी डैमेज देता हूँ। एंड ये वॉल से पैक हो जाता है, तो मैं ऐसा कोई प्लेस ढूंढ रहा था जहाँ से मैं अंदर जाके इसको मार सकूँ, बट एक वॉल ब्रेक हो जाती है तो ये सही से वॉल से पैक नहीं हो पाता। एंड मुझे भी काफी डैमेज पड़ रहा था, तो अब भाई इस बंदे को मैं यहीं से मार देता हूँ। अब भाई जो बंदे मुझे डैमेज दे रहे थे उनसे हम बाद में लिपटेंगे, पहले यहाँ से लूट ले लेते हैं क्योंकि अभी लैंडिंग किया है और यहाँ मुझे अच्छी खासी लूट मिल जाती है। एंड यहाँ से अपने हिसाब की सारी लूट कंप्लीट करने के बाद और एचपी करने के बाद हम पूरी तरीके से रेडी हैं कि और भी बंदे जो मिले हम उनको इजीली निपटा सके। अब जो पीछे बंदे थे उनके लिए मैं मोस्टर उठा लेता हूँ कि अगर जो मिलेंगे तो उनको इसी मोस्टर से उड़ाऊंगा। तो पहले भाई बैठ जा यार जल्दी से। एंड भाई अपने टीममेट को गाड़ी पे बैठाने के बाद भाई एक और आ गया, लो भाई इसको भी बैठा लेते हैं। तभी सामने एक बंदा दिखता है, तो पहले तो मैं ट्राई करता हूँ मोस्टर से उसको उड़ा दूं, बट ये मोस्टर से तो बच जाता है बट अब हमारे हाथ से नहीं। अरे भाई लो भाई ये किल भी गया, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। एक बार हम वापस मोस्टर उठा लेते हैं क्योंकि अभी मुझे किल निकालना ही पड़ेगा, 7 किल है और बुइया चाहिए, तो भाई अब रस करके खेलना पड़ेगा, लास्ट जोन है। देखो यहाँ मेरे टीममेट के पास फुटस्टेप भी आ रहे थे एंड ऊपर साइड किसी ने मोस्टर भी मंगाया था, तो यहाँ वो बंदा अपना मोस्टर तो उठा लेता है, बट मैं भी ट्राई कर रहा था कि मोस्टर ब्रेक कर दो और ये मोस्टर से उतरते रिटर्न बैठ जाता है भाई इसी मोस्टर में। जैसे ही उतरता है तो मैं बैठ जाता हूँ और भाई ये नीचे ही रहेगा, तो चलो उतर के मारते हैं। पहले अपने टीममेट को रिवाइव देते हैं जिसको डाउन कर दिया था इसने। एंड भाई अब देखो सामने की ओर भी बंदे हैं जो कि मेरे ख्याल से वही हैं जो बचे हैं, जिनको मारने के बाद हमारा बुइया भी हो जाएगा। तो एक बार फिर से अपना मोस्टर उठाते हैं, डैमेज देने की ट्राई भी कर रहा है बंदा, तो अब यह मोस्टर वहीं रुकेगा जहां बंदा दिखेगा। अब सामने की ओर एक बंदा वॉल फेंकता है, तो डायरेक्टली मोस्टर को यहीं ठोकता हूं, बट एक भी पल्ले नहीं पड़ता। तो भाई वॉल भाई बहुत सही मोस्टर तोड़ दिया इसने तेजी, तो भाई मर भी जा। अबे भाई मर नहीं रहा है, ओके अभी तो मर जा। अबे कितना गोली खाएगा ये भाई, हद होती है, क्या हो रहा है ये भाई, ये बंदा मर नहीं रहा है, अनलिमिटेड है क्या? मैंने लाख कोशिश किया और ये बंदा नहीं मरा भाई, रिवाइव होने दो इसको, एक बार और मारूंगा मैं। ओपी भाई अप डाउन हुआ, देख रहे हो भाई अभी तक ये मर ही नहीं रहा था यार, मैंने कितनी डैमेज दिया इसको। इसका दूसरा टीममेट भी मुझ पे रस मारता है, भाई मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसको मार लूं क्योंकि भाई ये लास्ट ही बंदा है जिसे मारने के बाद बुइया भी हो जाएगा और खत्म। अबे ये क्या हो गया यार, ये मेरे डैमेज को हो क्या रहा है भाई, इतना मैं मार रहा हूँ बंदा मर ही नहीं रहा है भाई, गजब है। एंड फाइनली चलो बुइया हो गया है, और अभी ये क्या है, मैं एलिमिनेट कैसे हो गया भाई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ भाई ये गेम में, कभी भाई एक बार वापस मेरे को लगता है गेम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। एंड भाई जैसे मैं रिस्टार्ट करता हूँ देखता हूँ भाई मेरा प्लस काउंट हुआ अभी है कि नहीं हुआ है, ये हो क्या रहा भाई मेरे साथ, कुछ नहीं समझ आ रहा है मुझे सीरियसली भाई, हम तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है भाई। चलो प्लस तो काउंट है, वैसे कमेंट करके बताना भाई ये क्या हुआ था लास्ट गेम में भाई, छोड़ो यार। चलो इसी के साथ हम एक और गेम यहाँ स्टार्ट करते हैं। एंड इस गेम में लास्ट जोन का सिचुएशन था जहाँ मेरे 6 किल ऑलरेडी थे और बचे भी लास्ट के बहुत कम बंदे थे जो सब नीचे थे। ओके तो मैं इस पेटी में से पहले तो लॉन्ग रेंज की गन उठाता हूँ, बंदा जो नीचे दिखता है उसे डाउन करके डायरेक्टली फिनिश करने में टाइम वेस्ट करता हूँ, बट अभी भी यहाँ नीचे से एक बंदा मुझे काफी डैमेज देकर डाउन कर देता है। अब देखो मेरे टीममेट्स पास में ही थे, उनमें से मैं एक को ट्रीटमेंट करने को बोलता हूँ एंड दूसरे बंदे को जल्दी से अपने पास बुलाता हूँ, नहीं तो ये जो कैरेक्टर लगा के डाउन किया ना इसे मैं अभी तक फिनिश हो गया होता। और भाई अब थोड़ा दिमाग से खेलना पड़ेगा, इसलिए मैं एक मेडी लगा लेता हूँ और जो नीचे के बंदे उनको ऊपर नहीं आने देने के लिए मैं यहाँ पे रेंडमली फायर दे रहा था। कवर में रहने के लिए वो लगाते एक बंदा नीचे दिखता है, तो मैं उसे डाउन करके जल्दी से फिनिश भी कर देता हूँ। एंड गाइस अब देखो जो लास्ट का बंदा बचा है वो इस टावर के पीछे कवर में आ रहा है, तो मैं भी क्या करता हूँ उसको डाउन करके जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। बस इसका एक और टीममेट बचा है एंड उसको मार दिया, तो यहाँ पे हमारा बुइया हो जाएगा। एंड यहाँ पे अपनी एचपी कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ा दिमाग दौड़ाता हूँ और यहाँ से मारने की कोशिश कर रहा था, बट जब यहाँ मेरे पल्ले नहीं पड़ता तो भाई मेरे पास एक लॉन्चर था। अब इतना डैमेज देने के बाद मैं वो लॉन्चर का यूज करता हूँ एंड यहाँ पे वो लॉन्च पैड लगाते ही भाई मैं डायरेक्टली भाई जोन के बाहर ही गायब हो जाता हूँ, मुझे पता नहीं था इतना दूर आके गिरूंगा। और फिर मैं क्या करता हूँ एबिलिटी का यूज करके थोड़ा आगे आके फायरिंग देके बहुत बड़ी गलती कर देता हूँ और ये बंदा जान जाता है मेरे को और मैं भाई डाउन हो जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे डाउन होते ही मेरे सारे टीममेट उस पे रस मार देते हैं और वो खत्म हो जाता है। तो गाइस देखो ये वाला गेम तो हम विन कर लेते हैं। और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो आज का क्राइटेरिया है, आज हम उससे ज्यादा ही प्लस निकालेंगे क्योंकि गाइस आज टाइम काफी है हमारे पास, तो इस वाले गेम में हमारे को प्लस मिलता है 33 का।
साथ। एंड इसी के साथ दो की बुजुर्टी के साथ हम एक और गेम यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो लास्ट जोन में मुझे यहाँ पे भी रिवाइव मिला था और मेरे चार ही किल थे तो लोबी काफी हार्ड थी, बट हम ट्राई करेंगे इस गेम को भी विन निकालने। अब नीचे साइड फाइट चल रही थी तो मैं भाई बीच में घुसने के लिए आ जाता हूँ, बट यहाँ मेरे पल्ली एक भी बंदा नहीं पड़ता तो एक पे तो रस मारता हूँ, बट लो भाई इसे भी डाउन कर रखा है। तो भाई यहाँ पे इसको फिनिश करते ही यहाँ हमारा बीया हो जाता है। एंड देखा जाए तो इस वाले गेम में खास कुछ किया नहीं है, बट हाँ अगर जो ये गेम हमारा विन हुआ है तो एक बार देख लेते हैं हमारा प्लस कितना लगा है, जिसके बाद हमारा 15,000 स्कोर हो जाएगा। एंड फाइनली यहाँ पे हमारा 15,003 स्टिक के साथ हो जाता है, स्कोर भी कम्प्लीट हो गया है जो की आज का टारगेट था। तो आज का टारगेट तो हमने कम्प्लीट कर दिया है, तो यहाँ पे हमारे स्कोर रेडी है। एंड देख लेते हैं कि हमारा कुल स्कोर कितना है, तो यहाँ हमारा 15,005 स्कोर है। एंड गाइस अभी फिलहाल के लिए तो सब बेटर ही चल रहा है, तो क्यों ना आपको एक और चीज दिखा देते हैं। खेलते खेलते पता ही नहीं चला कि भाई जो हम थॉमसन से नीचे आ गए थे वो गुजरात में अभी हम कितने नंबर पे हैं, तो 51 नंबर पे आ गए गाइस। सीरियसली ये मैं 100 से नीचे आ गया था और पता ही नहीं चला कब 51 पे आ गए। तो अब तो इसमें भी पुशिंग स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं चार दिन में क्या ही कर लेते हैं, क्या मतलब इंडिया हो पाएगा या नहीं देखा जाएगा। एंड गाइस देखो आज का क्राइटेरिया तो कम्प्लीट हो गया है, तो अभी और एक्स्ट्रा प्लस देने का मन कर रहा है, काफी टाइम है तो और एक्स्ट्रा प्लस देंगे 300-400 और उसके बाद देखा जाएगा। तो ये हमारा एक और गेम था जिसे मतलब हम लोग लास्ट जोन तक तो टिका लिए थे, अभी लास्ट के बचे हैं चार बंदे जिनमें से तो तीन हम ही है, तो बस एक ही बंदा रह गया जो कि जस्ट सामने हमारे, और लो भाई बाइक लेके भाग रहा है, इसकी बाइक फोड़ना पड़ेगा क्योंकि गाइस ये बंदा बाइक लेके कितना ही दूर भाग पाएगा। तो चलो फोड़ दिए इसकी बाइक एंड डायरेक्टली इस पे रस मारेंगे, नहीं तो दोस्तों के नाम किल आ जाएगा। वैसे तो काफी डैमेज दिया है, किल तो हमारे ही नाम आना चाहिए, बट यहाँ पे और भी दोस्त हमारे घुसे पड़े। एंड गाइस यहाँ पे वो बंदा देख रहे हो कैसे पेक हो रखा है, भाई इधर से भाग रहा है इसकी, तो भाई लो इसी के साथ खत्म हो गया और मेरा टीममेट भी डाउन हो गया था। तो चलो भाई ये वाला गेम तो हमारा विन हो जाता है। एंड गाइस ये वाला भी इजी पीजी लिए थे विन, तो देखते हैं कितना प्लस मिलता है। तो यहाँ पे अपने को मिलता है भाई 32 का प्लस, चलो बेटर है। एंड इसी के साथ दो की बुजस ठीक बनती है, हम एक और गेम यहाँ स्टार्ट कर देते हैं और इस गेम में हमारे 7 किल थे और मैं जोन में फंसा हुआ था। अब देखो है तो लास्ट जोन ही क्योंकि 14 ही बंदे रह गए हैं, और भाई यहाँ पे मेरा दोस्त बोल रहा है भाई भाग किया जैसे कि भाई मैं जोन से ही मर जाऊंगा, जबकि चलो जोन से बाहर तो आ गए। एंड अभी भाई दोस्तों के साथ ही रहेंगे क्योंकि बाकी के जितने भी बंदे बचे हुए हैं एक तो वो सब साथ में हैं और सारे के सारे भाई नीचे ही हैं, तो भाई अभी तो साथ में हमको भी रहना पड़ेगा, नहीं तो चांस है कि हमारे यहाँ से गेम भी छूट सकता है। इतना दूर आके गेम छोड़ते तो भाई बहुत दुख लगता है, उल्टा भाई ग्रैंड मास्टर पुशिंग कर रहे हैं, हमारे पास बहुत कम वक्त है इसीलिए भाई बुइया निकालना पड़ रहा है और कई बार तो स्टिक भी बनती है हमारी, आप तो खुद ही देख रहे हो। एंड यहाँ दो दो बंदे एक साथ लैंडिंग करते हैं मेरे टीममेट के पास। एंड भाई यहाँ पे एक को तो डैमेज देता हूँ बट वो मेरे टीममेट को भी यहाँ डाउन कर देता है। एंड अब मैं दूसरे को भाई लो किल गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम इसको रिवाइव दे देते हैं। एंड गाइस इसे मैं जल्दी से यहाँ पे रिवाइव दे देता हूँ। एंड यहाँ पे ये बंदा मुझे अब मिशन देने लगता है, और गाइस सीरियसली बता रहा हूँ मैं इस समय मिशन तो नहीं लेना चाहता था, बट अब ये दे रहा है तो भाई मैं इसको रिवाइव देने लगता हूँ। और अब इसे रिवाइव देने के बाद मैं जा ही रहा था ये फिर से लैंड माइन लगा देता है, मैं ना तो बोल रहा था क्योंकि भाई लास्ट जोन था, और फिर भी यार ये मुझे दोबारा एक बार मिशन देता है और इसको मैं रिवाइव तो दे देता हूँ, बट पीछे से एक बंदा डाउन करके डायरेक्टली फिनिश भी कर देता है। एंड सीरियसली मुझे भी नहीं पता था कि एक बंदा मेरे पीछे से कब से वेटिंग कर रहा है, और उस बंदे को अब मैं डैमेज देने की ट्राई कर रहा था, बट छोड़ो यार अभी पहले हम जोन में चलते हैं क्योंकि गाइस अभी मैं फंस सकता हूँ ऊपर और इधर साइड दोनों तरफ से, तो भाई हम पहले जोन में जाएंगे। देखो ऊपर जब मैं आ रहा था तो एक नीचे बंदा दिखता है जिसे फायरिंग तो देता हूँ बट एक एमओ भी टच नहीं होती, एंड सेकंड टाइम काफी डैमेज पड़ता है, बट ये वॉल डाल लेता हूँ ऊपर। भाई मेरा टीममेट भी डाउन है, नीचे से भी पड़ रही है, और भाई अभी मैं ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास नेट थे तो भाई मैं 2-3 ग्रेनेड यहाँ फेंक देता हूँ। अब सीरियसली आगे जैसे ही जाता हूँ एक बंदा निकालने की ट्राई में डाउन हो जाता है, दूसरा भी भाई खत्म, पूरा स्क्वाड ही खत्म हो गया। और भाई लो यहाँ पे हमारे 3-3 बंदे यहाँ खत्म ही हो जाते हैं, 3 ग्रेनेड में तीनों लपेट लिया भाई मैंने, क्या ही तो स्मार्ट वर्क था। ये बंदा एकदम से मेरे सामने से जाता है एंड भाई वहीं घुस जाता है जहाँ अभी 3-3 पेटी गिराई है, तो मैं भी एकदम से रस मार के इसको फिनिश कर देता हूँ। और भाई ये लो डाउन हुआ है, ये वही बंदा है जो पीछे से डैमेज दे रहा था, तो इसे जल्दी से फिनिश करते हैं, यहाँ हमारे 10 किल हो जाते हैं। एंड गाइस अब बस बचे लास्ट के 6 ही बंदे हैं, मतलब 2 ही बंदे रह गए और दोनों के दोनों भाई नीचे ही है। और भाई एक बंदा देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ कोई ना कोई मुझे दिख जाए, तो भाई एक बार ऊपर भी चेकआउट कर लेते हैं, क्या पता ऊपर हो बंदा, बट भाई ऊपर तो मेरे ख्याल से नहीं। अब लो भाई ऊपर ही है, भाई मोस्टर लेके घूम रहा है। एंड इसका मोस्टर पहले तो ब्रेक करते हैं, यहाँ मैं काफी गोली मारता हूँ इसके मोस्टर पे। एंड गाइस मेरे टीममेट्स भी काफी ज्यादा मोस्टर को डैमेज दे देते हैं। एंड एक हद के बाद जब इसका मोस्टर फटता है तो भाई यहाँ पे देखो मेरे पास जो टोकन थे, मैं जल्दी से अपनी पॉकेट ओपन करके भाई यहाँ से पहले तो हम पोर्टल ले लेते हैं क्योंकि मेरे को जल्दी जाके उस बंदे को मारना पड़ेगा, और यहाँ पोर्टल का यूज करके मैं जल्दी से बंदे के पास आ जाता हूँ।
एंड अब वो बंदा साइड इधर साइड से बाहर निकल गया है। एंड फिर पता चलता है भाई ये बंदा एकदम पीछे ही है मेरे, और मैं भी एकदम फिर इस पे रस मार के भाई कहाँ गया ओपिक। चलो इसी के साथ ये भी खत्म, और ये गेम हो जाता है हमारा इजिली विन 11 किल के साथ। एंड भाई सीरियसली अभी दिल को जो सुकून मिल रहा था मैं आपको क्या ही समझाऊं, यहाँ ये किल चला जाता तो बहुत अजीब लगता। तो अब देखते हैं गाइस हमारा कितना प्लस लगता है। तो इस वाले गेम में हमारे को मिला है कुल मिला के भाई 36 का प्लस। एंड इसी के साथ गाइस हम एक और गेम यहाँ स्टार्ट करते हैं जहाँ हमारे 6 किल तो ऑलरेडी है ही, और लास्ट जोन है और यहाँ पे भाई बंदे भी हैं। तो एक को तो मैं डैमेज देता हूँ, ये किल मेरा चोरी हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ जो दूसरा बंदा था उसे भी डैमेज देता हूँ, और भाई डैमेज देते ये किल भी चोरी हो जाता है। एंड भाई अभी देखो कमाल की चीज इसके पास है भाई होरी जोन, और मैं इसको रिवाइव होने दूंगा और इसको मैं मार देता हूँ। अब देखो मेरा टीममेट क्या बोल रहा है, हट यार किल चोर पासवान भाई। गाइस अपने किल चोर का ही मैंने किल चोरी किया है, इसलिए मेरे को कोई दुख नहीं है। वैसे भाई इसने मेरा ही किल उठाया था। तो गाइस यहाँ पे पेटी पहले लूटते हैं, एंड गाइस इसी के साथ एक मेडी घिस लेता हूँ मैं। अब देखो यहाँ मेडी घिस ही रहा था कि तभी आसमान से एक बंदा इसके ऊपर लैंडिंग करता है। मेरे ख्याल से ये वही है जिनको अभी हमने मतलब पीटा है अच्छे से। अब भाई इसको मैं एक गोली बस मार पाता हूँ, एंड इस पे अब मैं डायरेक्टली रस मारने वाला हूँ, और ये एबिलिटी का यूज करके भाई बंदा चला के भाई डैमेज दे रहा है मेरे को तगड़ा वाला। मैंने भी तगड़ा डैमेज दिया भाई, एक मेडी घिस के ही अब मारना पड़ेगा, नहीं तो ये 100% मुझे मार देगा। एंड गाइस अभी यहाँ पहले वेस्ट अपग्रेड कर लेते हैं, अब डायरेक्टली इस पे रस मारेंगे। भाई ये बंदा देख रहे हो बम फायर वगैरह सब ऑन कर लिया है, और ये बंदा भाई इधर साइड आ गया, मैं भी इधर से जाता हूँ। ओपी भाई सामने टू सामने, और भाई कितना डैमेज खाएगा। ओके डाउन हो गया फाइनली। चलो इसे अब जल्दी से पहले तो फिनिश कर देते हैं। अब देखो यहाँ अपने किल तो 8 हो चुके हैं, बट भाई मेडी घिसने के साथ आजू बाजू कोई आ गया ना तो भाई दिक्कत हो जाएगी। और भाई अभी इसके पेटी उठाते हैं जल्दी से, शायद एमो वगैरह कुछ मिले। कुछ भी नहीं है, बंदे का सब कुछ खाली हो गया था। और इसी के साथ यहाँ पे भाई देखो चारों ओर में ध्यान दे रहा हूँ, कहीं पे बंदे दिख ही नहीं रहे मेरे को। तो भाई अभी एक काम करते हैं, यहाँ ज्यादा देर नहीं टाइम वेस्ट करेंगे, नहीं तो नीचे से कोई डैमेज। ओपी एक बंदा लैंडिंग कर रहा है भाई, दोनों नीचे गए, हमको भी लगता है अब नीचे जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं पोर्टल का यूज करके नीचे भागते हैं जल्दी से, शायद कुछ बहुत और किल मिल जाए। देखो जैसे ही मैं पोर्टल का यूज करके नीचे आता हूँ, एंड भाई सामने की ओर मुझे एक मॉन्स्टर दिख रहा था जहाँ पे बंदा था। तो भाई डैमेज देने के चक्कर में भाई गॉड भाई यहाँ कितनी कम एचपी कर देते हैं ये बंदे भाई साहब। भाई अभी यहाँ पे एक मेडी घिस ही रहा था कि भाई ये बंदों ने भाई एकदम तबाही मचा दी कदई भाई। अब मैं जाऊंगा आगे कैसे, ओके जाऊंगा बट एबिलिटी का यूज करके, क्योंकि अगर जो मैं नॉर्मली गया एक वॉल डाल देते हैं पहले दे रहा ये बंदा। अब डायरेक्टली फाइट न लेने का रीजन क्या है जानते हो, अगर जो मरा ना तो भाई गेम पूरा हाथ से चला जाएगा। और भाई हम ग्रैंड मास्टर पुशिंग कर रहे हैं इसलिए ऐसी गलती नहीं कर सकते। अब मैं डायरेक्टली आगे जाऊंगा तो वॉल डाल के, अच्छा भाई देख रहे हो भाई चार और बंदे हैं भाई, ये क्या कर दिया, अब तो बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और भाई ट्राई कर सकते हैं मरने या मारने की। लो भाई वो बंदा छुप गया, यही टाइम मैं यहाँ से कल्टी मारने का भाग। अबे भाई कहाँ कहाँ बंदे हैं यार, कहाँ कहाँ वॉल डालूं मैं भाई, देख रहे हो चार और बंदे कैसे छुप चुका। अबे सामने बंदा पीछे बंदा भाई, अब रुको आने दो इसको सिर्फ एक बार, और ले नूबड़े भाई डाउन करते हैं जल्दी से फिनिश करते हैं। अबे भाई पीछे से कौन मार दिया भाई, चार और बंदे फैले हुए हैं भाई लास्ट जोन में। भाई ऐसा क्या हो गया यार, खत्म हो गया मैं तो। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हमारा लास्ट टीममेट है, सॉरी अभी भी यहाँ दो बंदे हमारे अलाइव है। एंड भाई इसके पास काफी मेडी थी तो हमको लास्ट जोन में ये रिवाइव दे देता है। एंड गाइस आप ट्राई करेंगे कि अब भाई भुया निकाले, क्योंकि लास्ट के 11 ही बंदे हैं, एंड अब हम चारों जिंदा है। वैसे भाई बहुत तगड़ा सीन हुआ उस वाले जगह पे, और वहाँ तो हम जाएंगे नहीं, ये जो छोटी सी भाई यहाँ पे अपनी झोपड़ी है वहीं पे उतरेंगे जहाँ पे यहाँ एक बंदा दिख रहा है मेरे सामने। पहले इसको निपटाते हैं भाई, क्योंकि हमने टीममेट्स को रिवाइव दे रहा है। एंड यहाँ पीछे से भाई एक ही गोली में खत्म, भाई इसका ही किल चोरी हुआ है भाई, ये बंदे ने मेरे दो किल चोरी हुए थे, और दोनों के लिए मैं रिकवर कर लेता हूँ भाई, मैं भी इसके दो किल चोरी कर लेता हूँ। एंड गाइस अपनी लूट भी यहाँ कम थी तो पहले एमओ वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि अब तो भैया छोड़ने से रहे और 10 किल भी हो गए हमारे। तो गाइस यहाँ पे अपने काम की लूट हम सब ले लेते हैं, और गाइस अब बस या लास्ट जोन हम कैसे भी करके भुया निकाल लें अब यही सोच रहे हैं। और भाई अभी एक कवर वाली जगह पे चले जाते हैं, क्योंकि ऊपर साइड के बंदे देख रहे हो हम ही को टारगेट कर रहे हैं। और भाई हमने ऐसा नहीं चाहते कि भाई इतना जोन में आके हमारे यहाँ से भुया छूट जाए तो हम चारों भाई इसके अंदर आ जाते हैं। अब देखो अगर जो हमको यहाँ कुछ करना है तो जोन आने का वेट करना है, और थोड़ा सा सबर और सस्पेंस के साथ भाई यहाँ टिके रहना है। और भाई अभी एक्स्ट्रा प्लस भी हम लेने का काम यहाँ स्टार्ट कर देते हैं, मतलब भाई मिशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ मैं अपने दोस्त को काफी मतलब दो ग्रेनेड दे देता हूँ, और ये एक बार जैसे ही डाउन होता है तो इसको मैं रिवाइव दे देता हूँ, हालांकि ये दोबारा भी डाउन होने वाला है। तो भाई जल्दी से फेंक ले भाई, क्योंकि जोन आ रहा है। और तो भाई देखो मिशन हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि भाई 5-6 प्लस एक्स्ट्रा मिलता है। और गाइस मिशन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है, तो अब भाई हमको भुया निकालना है। तो एक काम करते हैं, जो ये लॉन्ग रेंज में बंदे हैं उनको ग्रोजा से मारने की ट्राई करते हैं। एक बंदा देखो मुझे ऊपर से दिख रहा है, अबे भाई ओपी काफी डैमेज पड़ा है, एंड ये दूसरा वाला बंदा भी काफी डैमेज खाया है भाई, थोड़ा सा एम दिख जा भाई, डाउन हो जा, ओपी डाउन हो गया। एंड जल्दी से इसको फिनिश करते हैं।
एंड भाई ये देखो ये बंदा जो बाइक बाइक लेके आ रहा है ये डायरेक्टली मेरे पे घुसेर देता है बाइक और भाई डैमेज देना स्टार्ट कर देता है। मैं इसकी एबिलिटी तो ब्लॉक कर देता हूँ बट भाई बंदे का कॉन्फिडेंस तो देखो फोर लेवल के वेस्ट पैर के डायरेक्टली मुझ पर रस मार दिया है। एंड दिक्कत ये है भाई मेरे पास वेस्ट पूरी तरीके से भाई टू लेवल की है और डैमेज भी है तो ये बंदे को मैं भाई संभाल नहीं पाता क्योंकि एकदम हेड पड़ जाता है और भाई मेरे टीममेट्स तो इसको मार देते हैं। सो इसी के साथ ये वाला गेम भी हमारा विन हो जाता है बट लास्ट वाला किल हम नहीं कर पाते। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल में हमको बुइया ही चाहिए था क्योंकि किल तो हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे कर ही रखे हैं। तो अब देखते ये है कि हमारा प्लस कितना लगता है। एंड गाइस कमेंट करके बता देना आपका कितना रैंक है भाई, मैं देखता हूँ सबके कमेंट। और यहाँ हमारे 36 का प्लस लगता है एंड इसी के साथ सबने भाई अच्छे खासे ही किल किए हैं। तो एक बार आप लोग यहाँ नजर मारो भाई, मैं टॉप 100 में था इस गन में, अब 48 नंबर पे आ गया हूँ, 51 से डायरेक्टली 48 नंबर पे, और भी हम प्लस देने वाले हैं इस गन में भाई। इसमें हम इंडिया आने की कोशिश करेंगे। तो गाइस देखते हैं एक और गेम में हम क्या कर लेते हैं। अब यहाँ लास्ट जोन में 2 किल के साथ इस घर के अंदर आता हूँ। यहाँ पहले से ही फायरिंग चल रही थी और भाई बीच में आके मैं घुस जाता हूँ। अब देखो उसका टीममेट भी आ गया है और मैं अंदर, भाई ये क्या फंस गया मैं बहुत बुरा वाला, और वो नीचे दिख रहा है भाई वॉल तोड़ गया लगता है, अब तो गया भाई नीचे कूद के भागो भाई जल्दी भागते हैं नहीं तो ये तो खत्म कर देगा मेरे को। भाई गाड़ी उठाता हूँ यहाँ पे पहले तो भाई, क्योंकि वो बंदे देख रहे हो हाथ धोके मेरे ही पीछे पड़ गया है। एंड गाइस अब मेरी पूरी टीम यहाँ पे आ चुकी है तो अब भाई यहाँ मैं मेडी भी घिस चुका हूँ, एक बार वापिस हम ऊपर जाएंगे क्योंकि भाई वो बंदों को भी मैंने काफी डैमेज दे रखा है आपने देखा हो तो। एंड गाइस देखो अब मैं डायरेक्टली रस मारने तो आ जाता हूँ बट यहाँ पे सामने वाला अब लो फिर से डाउन कर देते हैं यार ये दोनों भाई, क्या ही तो कैम करके मारे बट कोई बात नहीं, यहाँ हमारे सारे बंदे आ जाते हैं जो हमें रिवाइव भी दे देते हैं। एंड यहाँ मैं बच भी गया हूँ तो भाई अभी अपनी लूट भी इजीली हो जाएगी अच्छी खासी और यहाँ पे पूरी तरीके से हम सेफ भी है तो भाई यहीं पर थोड़ी देर सर्वाइव करेंगे। नीचे बंदे ही घूम रहे हैं और यहाँ अच्छी लूट नहीं है और भाई अपने मेरे पास है तो अपने दोस्त लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह कर देंगे। एंड यहीं पर अभी थोड़ा देर हम सर्वाइव करेंगे उसके बाद नीचे जाएंगे क्योंकि अभी नीचे फाइट चल रही है और हम नहीं चाहते भाई कि हम नीचे जाके फाइट लें। अब देखो एक बंदा जो सामने दिखा था उसे काफी डैमेज दे दिया था, अब मेरे पास एमो भी नहीं थी और क्लोज में बंदे भी काफी घूम रहे थे तो अब मैं अपने पीछे साइड के बंदों की तरफ आ जाता हूँ क्योंकि गाइस देखो अभी यहाँ पे एक बंदा जो कि भाई एकदम खुले में बैठा था इधर साइड से और लो भाई पहले इसको निपटाते हैं साले को, भाई एक हेडशॉट इसको तो पड़ गया है और भाई छोड़ो जाने दो। अब भाई यहाँ मेरी एमो खत्म हो रही है धीरे धीरे, अगर जो ऐसा ही रहा तो भाई लास्ट जोन में फाइट नहीं कर पाएंगे इसीलिए भाई अभी थोड़ा मैं दिमाग दौड़ा के इधर से आकर डायरेक्टली मतलब भाई लो मोस्टर आ रहा है भाई, भाई दिमाग दौड़ाने का मौका ही नहीं देते ये लोग, पहले ही पूरा मतलब देख रहे हो ये मोस्टर इसमें बैठ जाते हैं। एंड भाई नहीं उतरना पड़ेगा, कहीं जोन में ले गया तो भाई और ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, देख रहा हो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे एचपी नहीं है तो एक मेडी जो था वो भी मैं यहाँ वेस्ट कर देता हूँ। अब भाई यहाँ एक ही मेडी बचा है तो इधर आके मैं जल्दी से पहले इसमें से एमओ वगैरह ले लेता हूँ अपनी काम की लूट क्योंकि अभी एमओ की मेरे को बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एंड फिर इस घर के ऊपर आ जाते क्योंकि ऑलरेडी मेरा दोस्त किसी से फाइट कर रहा है एंड अभी यहाँ पे हमको कवर भी मिल जाएगा और यहाँ से हम इजीली किसी को भाई मतलब डैमेज भी दे सकते हैं क्योंकि कुछ बंदे ऊपर, लो भाई उसको तो किसी ने ख़त्म ही कर दिया, देखो वहीं पे पेटी पड़ी है। एंड भाई यहाँ पे अब देखते हैं कोई बंदा मेरे को दिखता है तो उसको इजीली यहाँ से मारने का ट्राई करूँगा। अब लास्ट जोन है तो भाई बहुत सीरियस होकर खेलना पड़ रहा है और भाई यहाँ पे मैं कवर में एकदम परमानेंट कवर में आके यहाँ थोड़ा बहुत एमो उठा के यहाँ सामने पड़ी पेटी पे एकदम भाग के जाता हूँ, सोचा अच्छी लूट मिलेगी बट भाई एमो के अलावा कुछ भी नसीब नहीं होता, उल्टा डैमेज भाई इतना गंदा मारते हैं बंदे, अब मैं क्या ही बोलूँ, आसपास भी बंदे और भाई गाड़ी भी ठुक रही है भाई इधर से उधर। अब एक मेडी लगाते ही यहाँ एक और मोस्टर दिख जाता है तो दूसरी मेडी लगाते ही उतर जाता हूँ मैं। एंड इसकी एबिलिटी ब्लॉक करने के बाद भाई ये बंदा भी देख रहे हो, अब मैं भाई दोनों तरफ से फंसा हूँ, मुझे नहीं पता मैं इससे किससे निकलूंगा बट भाई लो भाई किस्मत भी ऐसी कि कोई देख ही नहीं रहा है मुझे और ये बंदा फिर से आता है M10 है भाई, और भाई मर भी जा भाई इतना डैमेज, इसके मोस्टर में ही बैठ जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है भाई, काफ़ी डैमेज दिया था बंदे को बट यहाँ पे राइट टाइम पे मोस्टर वाला आ गया, नहीं तो आज तो ये बंदा गया था मेरे हाथों। एंड जोन के बाहर जा रहा है क्या भाई ये, इसका मोस्टर बस मेरे दोस्त लोग कैसे भी फोड़ दें तो थोड़ा सहलता मिले। एंड भाई इसका मोस्टर पे बहुत डैमेज दे रहे हैं और उतर जाते हैं हम तो पहले, और एक को साले भाई ये गया कि इसको तो मार के ही रहूँगा भाई तू ही, तो अब ये भी गया कोई दिक्कत नहीं, फाइनली यहाँ पे अब बचा है लास्ट का एक बंदा। और गाइस यहाँ मेरी एचपी बहुत कम है तो भाई पहले तो मैं भाई इसको ट्रीटमेंट करने को बोलता हूँ एंड अब बस लास्ट का एक ही बंदा बचा है तो भाई क्लास मेडी घिस के भाई इसकी तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। और गाइस इसको लपेटने वाले हैं, भाई ग्रेनेड फेंक रहा है तेरी तो भाई कितना डैमेज खाया है बंदा, अब बस थोड़ी गोली का है और लो डाउन हो गया फाइनली, भाई इसको जल्दी से फिनिश करके हमारा भैया कंप्लीट करते हैं। एंड चलो आज का ये लास्ट गेम था और इसके भाई इसको भी हमने विन कर लिया है, देखना ये है इस गेम में हमें प्लस कितना मिलता है। तो गाइस इस गेम को हमने विन किया है तो इस गेम में हमको मिलता है
है कुल मिलाकर 25 का प्लस, और गाइस आज का टारगेट तो किया है उसी के साथ एक्स्ट्रा प्लस भी किया है। तो गाइस फाइनली आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वैसे गाइस मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, अगर जो आप यहाँ तक आ गए तो आपको पहले तो मैं दिल से सल्यूट करना चाहता हूँ और शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को इतना ज्यादा प्यार दिखा रहे हो। और आ गए तो यार प्लीज एक लाइक भी कर देना एंड इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर जो रैंक पुशिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो और कंटेंट पसंद आते हो। तो गाइस देखो फिलहाल में हमारा रैंक तो यहाँ 15,300 से ज्यादा हो चुका है एंड गाइस इसी के साथ यहाँ पे मुझे लगता है सिर्फ मतलब 3,000 ही प्लस करना है लगभग, इतना ही है जिसके बाद ग्रैंड मास्टर हो जाएगा। दिक्कत आएगी लास्ट दिन में, क्योंकि मेरे ख्याल से लास्ट दिन में स्कोर बढ़ेगा और फिर हमारा नहीं भी हो सकता, बट कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।